और मैं बिना किसी हैंड ब्रेक के बस अपना क्लच के साथ ब्रेक छोड़ूंगा, और गाड़ी पीछे नहीं गई, इसने पिकअप बना लिया। और ये देखो भाई, हो मतलब स्टेयरिंग आपने देखा क्या घुमा है गोली की तरह, यो क्या सॉलिड पिकअप मिला है, गोली की तरह चढ़ता चला जाता, मतलब फन टू ड्राइव है भाई। आपका इतना पोर्शन है ना, हाँ। उसका पावर इनपुट सेम है। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू चैनल। सो भाइयों, आज हम बैठे हैं, आप देख रहे हो टाटा का लोगो, ये है भाइयों टाटा की पोल्ट्रोज यानी कि प्रीमियम हैचबैक जो जिसमें कि आज हम बैठे। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बारी मैं इसका स्टार्टिंग करके कैबिन नॉइज सुनाना चाहूंगा आपको। तो ये मैंने कर दिया गाड़ी ऑफ, और जैसे इसको स्टार्ट करना है तो ये पहला और दूसरा, अच्छा क्लच दबाना ना भाई लास्ट में। भाई इंजन नॉइज आप लोगों ने सुन ली होगी, ये देख सकते हो भाई ऑरेंज स्टिकर है, मतलब कौन सी भाई ये डीजल की है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको कैबिन नॉइज आएगी अगर शायद ही आ रही हो। वैसे ऐसे कोई डीजल वाली है नहीं, ज्यादातर आ रही हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सी आ रही है इसमें नॉइज। तो आज हम इसको चला के देखने वाले, इसका ड्राइव रिव्यू बनाने वाले है कि कैसी कुछ चलने में लगती है डीजल वाली, क्योंकि पेट्रोल वाली का सुना हुआ है बहुत दबा है, बहुत अंडर पावर फील होती है। क्या डीजल वाली में भी ऐसा कुछ है या लैग है या कोई है, तो वो सब चीज आज हम क्लियर करने वाले हैं, चला के देखने वाले हैं। बाकी भाई BS6 फेज 2 वाली है ये आपकी लेटेस्ट अपडेटेड वाली, तो इसके रिगार्डिंग काफी लेस वीडियोस है भाई यूट्यूब पे, तो भाई आपको चला के दिखाएंगे। बाकी अगर हम बात करें पीछे की तरफ, हमारे ओनर साहब आ चुके हैं मिस्टर रवीर भाई, इनकी कार है और इनका एक ओनरशिप रिव्यू भी भाई ने चैनल पर डाल दिया, तो स्टार्ट करते हैं भाई इसी के साथ वीडियो को। अब ये मैंने पहला गियर लगा दिया भाई, और क्लच मैंने छोड़ दिया, क्लच मैंने अभी बहुत कम ही छोड़ा है, और आप देख सकते हो बाकी भाई ने ना पिकअप पकड़ लिया है। सीट बेल्ट और लगा लो भाई, सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। चलो तो आप लोग देख रहे हो कि भाई थोड़ी सी चढ़ाई पे खड़ी हुई गाड़ी, और मैं बिना किसी हैंड ब्रेक के बस अपना क्लच के साथ ब्रेक छोड़ूंगा, और गाड़ी पीछे नहीं गई, इसने पिकअप बना लिया और गाड़ी आगे चल गई है। अब राइट थोड़ा ले सा बिजी रोड है, थोड़ा तो देख के आराम से इससे हम निकाल ले रहे हैं। भाई स्टीयरिंग भाई बहुत गजब का फीडबैक है, ये देखो भाई हो मतलब स्टीयरिंग आपने देखा क्या घुमा है गोली की तरह, स्टीयरिंग इतना प्यारा है, और तीसरे गियर में चढ़ गई है, 60 की स्पीड चढ़ गई है, यानी कि आप लोगों ने ध्यान भी पता नहीं दिया नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि गाड़ी एकदम ही चढ़ गई स्पीड में, मतलब पिकअप वगैरह ना डीजल वाला, जैसे कि डीजल गाड़ी है ये, तो पिकअप आपको डीजल वाला देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। थोड़ा सा ना ट्रेल गैप बना के चला हल्का सा, अगर साइड में जगह हो तो तू ओवरटेक करके दिखा दियो, है भाई रुक, अभी कर्व है ना इसमें थोड़ा सा, क्या भाई एक्सीलेटर ना तेरे को एक्स्ट्रा प्रेस करना पड़ेगा, इसका एक्सीलेटर थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है। बाकी भाई इनसे ना थोड़ा बच के रहना भाई, कैसे जिगजैग चला रहा है, थोड़ा सा देख के भाई, थोड़ा सा देखो ट्रक वगैरह से तो देखना पड़ता ही है, अपना आप चल रहे हो तो देख भाई जगह है तो ओवरटेक करके दिखाओ, एक बार पिकअप दिखाओ। तो बाइक वाले अभी आगे से आ रहे हैं, और ये मैंने भाई ओवरटेकिंग पे डाल दिया है, वो पिकअप देखो भाई, वो क्या सॉलिड पिकअप मिला है, गोली की तरह चढ़ता चला जाता है, मतलब इतना गैप था नहीं कि ओवरटेक हो जाता, लेकिन भाई वो ओवरटेक इतना मस्त मिला आपको, ये आप एक और जगह देख सकते हो, क्या मस्त स्टेबिलिटी देखो आप टाटा की गाड़ी, वो क्या मस्त भाग रही है, 80 की स्पीड पे चल रही है, मतलब फन टू ड्राइव है भाई। आपको डीजल लेने के बाद ना बिल्कुल भी पछतावा नहीं होने वाला कि आप डीजल गाड़ी पे आए हो, एक नंबर चिपक के चल रही है गाड़ी, बॉडी रोल जैसा कोई सीन ही नहीं है। जैसे वैगनर के बाद चला रहा, खैर वो तो सेगमेंट ही बिल्कुल अलग है, सेगमेंट क्या, तू जमीन आसमान की बात कर रहा है, वैगनर क्या नाम ले दिया भाई तूने, बलेनो भी चलाई तूने भाई, सब फेल है भाई ये डीजल वाली, मेरी डिजायर खुद फेल हो रही है आज, ऐसा लग रहा है, मतलब मस्त चिपक के, वो है देख नई जनरेशन है तो कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी तो होगी, पुरानी गाड़ियों से कहीं ना कहीं तो ऊपर होगी, प्लस आप चाल देखो इस गाड़ी, इसमें आपको 1500 cc का डीजल इंजन मिलता है जो 90 bhp और 200 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये सिर्फ लिखावट ही नहीं है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में भी पूरा पूरा जस्टिफाई हो रहा है, पूरा पूरा दिख भी रहा है। तो ये देख लो भाई इसके स्टीयरिंग का फीडबैक देख लो, ये मैंने पूरी काट दिया और ये मैं छोड़ रहा हूँ,
भाई इतनी फास्ट रीसेंटर हो रहा है ना, बैक ले ले यार यहाँ से आगे ना जगह नहीं है, निकल जाएगी। इतनी मस्ट फीडबैक है भाई, मतलब रीसेंटर ना काफी बढ़िया करके आ रहा है आपका स्टीयरिंग, क्या ही बताऊं मैं। ले ले यहाँ से, बस भाई अब यहाँ से गाड़ी घुमा ले रहे हैं। चलो बाकी टर्बो लैग लगा तेरे को डीजल वाला? टर्बो लैग थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा कोई खास तो लैग है नहीं इसमें। हाँ। थोड़ा दूसरे गियर में लगता है थोड़ा सा बस, एक्सेलेरेटर हल्का सा प्रेस करना पड़ता है ज्यादा। हाँ हाँ, ये समझ ले लैग नहीं है, थोड़ा सा ना समझने में देरी हो रही है। अब जैसे जो चलाने वाले है ना डेली, उसे पता होगा कि इसका थोड़ा एक्सेलेरेटर ज्यादा प्रेस करो तो एकदम बिगड़ जाएगा। उसके लिए भाई बताएंगे, भाई थोड़ा सा बताओ भाई जैसे ये। इसमें कहने से मान लो आपका एक्सेलेरेटर का ट्रैवल इतना है, तो जो शुरू का इतना पोर्शन है ना, उसका पावर इनपुट सेम है। ऐसा नहीं कर आप, अगर इतने बैंड में आपका एक्सेलेरेटर यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, वो पावर इनपुट सेम देता है। ये आपका हाईवे पे ना, जो आपका एवरेज निकालने में बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि कई बार क्या करते हो एक्सेलेरेटर थोड़ा ज्यादा प्रेस हो जाता है, थोड़ा हल्का ले लिया, उससे एवरेज में हेल्प होती है। तो ये चीज मुझे भी शुरू शुरू में थोड़ी ऑड लगी थी, बट अब आदत हो गई इस चीज। ये मतलब एक तरह से इसका फीचर है, माइलेज एनहांस करने का। सही है भाई, बढ़िया चीज है भाई। जो इसे डेली लाइफ में यूज करेगा ना, उसके लिए कोई लैग वैग कोई नेगेटिव चीज नहीं है। हाँ, जो किसी और गाड़ी पे से इस पे शिफ्ट होगा, उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि जैसे लैग है, लेकिन लैग वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा बस रेस का खेल है, जहाँ पे आपको थोड़ा पुश करना वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा पुश करना पड़ेगा, तब इसकी पावर्स फिगर्स सारी प्रैक्टिकल लाइफ में निकल के आ सकती है। अब एक बार ना भाई इसको इको मोड में डाल देते हैं। इको मोड में डालने के लिए बटन है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अयो, अब हम इको मोड हमने कर लिया है, जिसमें कि एवरेज और ज्यादा मिलती है। और इको मोड में अपने जो थोड़े नॉर्मल पावर फिगर्स है ना, तो इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो जाती है, ताकि एवरेज आपको और इनहेंस होके मिले। तो इसमें हम देख रहे हैं भाई, अपना अगर नॉर्मल चला रहा हूँ ना, तो बहुत प्यारी चल रही है भाई गाड़ी, बहुत ही स्टेबल है। आप लोगों को देख के मेरे को लग भी रहा होगा, मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ, मतलब एफर्टलेस है एकदम, है ना। हाँ, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा भाई, वो गाड़ी चल भी रही है ऐसी भाई, मक्खन चल रही है। बाकी ना इको मोड के बारे में भाई मेरे को थोड़ा बता रहे थे कि यार वो एक मिथ है, मतलब एक तरह से भाई मिथ तो क्या मतलब, ऐसे मान लो कि अब इको मोड में आपकी गाड़ी की पावर कम होगी, तो अब आपकी गाड़ी का लेकिन जो वेट वगैरह वो तो हर चीज सेम है। अब गाड़ी आप उसको उतनी, आप मान लो 80 पे आप ले जाने के लिए पंजा आपने यहाँ से, आप यहाँ से आप पंजा आपने जैसे यहाँ था एक्सीलेटर यहाँ ले आए, अब इको में तो आप उसको और दबाव के उतनी स्पीड पे ले जाने के लिए फर्क ही क्या रहेगा, मतलब एक तरह से कुल मिला के इतना ज्यादा फायदा नहीं होता इको मोड में लगाने का। ये जो कंपनियां देती है ना इको, ये सब है बेकार चीजें लगती है, गिमिक फीचर्स हैं। हाँ, इतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं, बट वैसे दिखाने को है कि भाई देख मेरी गाड़ी में ड्राइव मोड है, सिटी इको है। सही बात है। बाकी भाई चलाने में मेरे हिसाब से यार इससे स्टेबल मुझे नहीं लगता भाई, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी है मेरे को ना ही बलेनो लगेगी इतनी स्टेबल, ना ही शायद i20 लगे। और जो कि डीजल वाली बात है भाइयों, तो डीजल सिर्फ आपका अकेले ओल्ट्रोज में ही है आज की डेट में, इसी प्रीमियम हैचबैक में ही आपको डीजल इंजन अवेलेबल है। बाकी मैं बहुत लोगों का ना एक डाउट था कि भाई इसके अंदर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड जिसको हम एड ब्लू कहते हैं वो डलता है या नहीं, तो भाई मैं बता दूं इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका DPF है, जो कि आपका डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है, तो उसके थ्रू ही आपका सारा कुछ जो भी एमिशन नॉर्म्स है वो कंट्रोल हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आपको इसके अंदर एड ब्लू डालना होगा, तो आप टेंशन फ्री इसकी तरफ जा सकते हैं। तो भाईयो आप लोग देख लो, ज्यादा कोई लंबी छोटी तो ये गाड़ी है नहीं, बोनट वगैरह देखो नॉर्मली हैचबैक्स में नहीं होता विजिबल, वैसे ही अपनी हाइट के अकॉर्डिंग तो मेरे को नहीं है, बाकी भाई की हाइट के अकॉर्डिंग भाई को होता है, नहीं होता भाई। हाँ, तो बोनट विजिबल इसका नहीं होता। तो भाईयो आपने देख लिया ओवरऑल ड्राइव रिव्यू, बहुत ही फन टू ड्राइव है भाई ये डीजल वाली ओल्ट्रोज, मजा आ गया भाईयो इसको तो चला के ड्राइव करके। अब भाइयों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये देख लो, ज़्यादा कोई लंबी छोड़ी खैर गाड़ी तो है नहीं, इजी टू सिटी ड्राइव है और बहुत ही फन टू ड्राइव लगी भाइयों, हाईवे पे बहुत ही मज़ा आने वाला है इससे ओवरटेकिंग करने पे। तो बस भाइयों यही थी वीडियो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर भाइयों, बाय भाइयों, बाय बाय।